नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। राजसमंद के गोमती से ब्यावर तक बनने वाले फोर लेन मार्ग का वर्चुअल शिलान्यास आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस मौके पर गोमती चौराहे पर आयोजित समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर सहित जिला भाजपा कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 1192 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने के साथ राजधानी जयपुर तक पहुंचने के लिए 2 घंटे का कम समय लगेगा। आज केंद्रीय मंत्री द्वारा करीब 8500 करोड़ की लागत से बनने वाला विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान गडकरी ने कहा कि देश में विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं है। ऐसा काम जो जनता के स्वास्थ्य और जीवन के लिए रक्षक हो, वो हर काम सरकार करने के लिए कटिबद्ध है। सड़क की प्रदेश की जनता और लोकसभा क्षेत्र राजसमंद को सख्त आवश्यकता थी। इस विकास कार्य को स्वीकृत करने के लिए सभी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। मैं राजसमंद जिले से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एवं सड़क परिवहन मंत्री जी नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि 8 वर्ष से यह जो रोड का काम अटका हुआ था, कहीं अटकलें थी, कहीं उसमें रोड़े थे, उन सबको दूर करके आज हमको बहुत बड़ी सौगात दी, इसलिए हम केंद्र के बहुत बहुत आभारी हैं। इस रोड से क्या कुछ फायदा होने वाला? इस रोड से सबसे बड़ा फायदा होने वाला, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि जयपुर से मुंबई जाने के लिए एकमात्र हमारे पास बहुत अच्छा रोड यह था, परंतु कुछ किलोमीटर यह बाकी था। इस सौगात को माननीय गडकरी जी ने दिलचस्पी लेकर यह हमको सौगात दी। जयपुर से मुंबई जाने के लिए किसी समय में 24 घंटे लगते थे, आज अगर जयपुर से निकलते तो 18 घंटे लगते हैं, और यह सड़क अगर पूरी हो जाएगी तो मात्र 14-15 घंटे में हम सीधे मुंबई पहुंच पाएंगे। बहुत बड़ी सौगात है हमको।